नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला है जातिगत जनगणना, दूसरे नंबर पर डिस्कशन करेंगे कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021, और तीसरा है कि भारत किस प्रकार से फार्मा उद्योग के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और किस तरीके से भारत फार्मा के क्षेत्र में एक हब बन सकता है वैश्विक स्तर पर। तो सबसे पहले टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं जातिगत जनगणना। जनगणना भी कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि जातिगत जनगणना, आर्थिक जनगणना, इस तरीके से अलग अलग प्रकार की जनगणनाएं हो सकती हैं। इसी में से एक होता है जातिगत जनगणना, जिसमें हम जाति के आधार पर लोगों की गणना करते हैं। देखिए, जनगणना का अलग अलग उद्देश्य होता है। जैसे कि अगर हम जनगणना जब करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि लोगों की सोशियो इकोनॉमिक स्थिति कैसी है, तो उसी आधार पर हम योजनाओं का आवंटन आसानी से कर सकते हैं। जातिगत जनगणना करने का मुख्य ध्येय ये होता है कि जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनकी एक बार संख्या जब निश्चित हो जाती है तो उसी हिसाब से उनको आरक्षण और योजनाओं में कुछ विशेष प्रावधान करके उनको जो है मुख्य श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जाति जो है, जब जाति के आधार पर जनगणना हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें क्लेश जो है, मनमुटाव, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे एक दोहा टाइप का भी है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो हर चीज़ में हम मोल करने लगते हैं जाति का, जिससे उसके अंदर की जो आकांक्षाएं हैं या कहें कि उसके अंदर की जो कह लें कि जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाती है, जाति जो है आगे चली जाती है। तो ये तो एक समस्या है। और पश्चिमी देश के एक दार्शनिक जिनका नाम है रूसो, उन्होंने भी कहा था कि अगर समाज गुटों में बढ़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं शांति भंग वाली स्थिति होती है। भारत में भी जाति जो है ऐसी व्यवस्था है जो कि समाज को अलग अलग गुटों में बांट करके रखती है। इसको सकारात्मक दृष्टि से इस तरीके से भी देखा जाता है कि तथाकथित पिछड़े वर्ग की जातियाँ जो हैं वो उनका प्रतिनिधित्व हो पाता है राजनीति में, वो भी बढ़ चढ़ करके आगे आती हैं, अपने हक को मांगती हैं। तो ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हम इस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं जिसके कारण से जो सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ता है। 1931 में सबसे पहले जातिगत जनगणना हुई थी, जिसमें करीब उस समय 27 करोड़ की आबादी थी, जिसमें आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान भी सम्मिलित था। उस समय 27 करोड़ की आबादी थी और कुछ लोग कह रहे हैं कि 1931 की जनगणना को आधार बना करके ये कहा जाए कि पिछड़े वर्ग की जातियों की संख्या इतनी हो सकती है। चूँकि आपको पता है 1980s में जो है मंडल कमीशन बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में बना था, जिसमें उन्होंने बताया था कि देश में 52% पिछड़े वर्ग की जातियाँ हैं और करीब उन्होंने 2633 के आसपास जो है पिछड़ी जातियों का एक केंद्रीय सूची बनाया था, जिसमें आज के जो कथित पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये जो 52% बताए थे मंडल जी ने वो कम बताया था। दरअसल पिछड़े वर्ग की जातियों का अनुपात और ज़्यादा हो सकता है। उनका ये तर्क देने का मकसद ये है कि ताकि पिछड़े वर्ग की जातियों का आरक्षण जो 27% है वो बढ़ा करके और ज़्यादा उनको आवंटित किया जाए। तो अब इसमें आपका अपना ओपिनियन हो सकता है कि इसमें आपकी क्या राय है, क्या फिर से जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। हालांकि वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इस चीज़ को कहा है कि नहीं, हम जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में भी नहीं है। और 2011 में वैसे जातिगत जनगणना हुई थी जब यूपीए की सरकार थी, लेकिन जाति वाले जो आंकड़े थे उसको प्रकाशित नहीं किया गया था। इसके जो अलावा जो आंकड़े हैं उसको प्रकाशित किए गए थे 2016 में, कुछ और आंकड़े भी प्रकाशित किए गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में। और 1931 की जो जातिगत जनगणना को आधार बना करके उनके अनुपात को और ज़्यादा बढ़ाने की मांग की जा रही है, उस पक्ष में सुप्रीम कोर्ट हमारी भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि हम इतने पहले के जनगणना को जो है आज के आज के लिए आधार नहीं बना सकते हैं। 2017 में एक करके हैं जी रोहिणी, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था जिसको इन सब मुद्दों पर विचार करना था। वो अपना फरवरी 2021 में अपने अंतरिम रिपोर्ट में बताए कि जो 2633 पिछड़े वर्ग की जातियां हैं जो कि केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध हैं, उनमें से ऊपर की 100 जातियां ही हैं जो आरक्षण का सही प्रकार से फ़ायदा ले पा रही हैं। अन्य जो पिछड़ी जातियाँ हैं वो
ना शैक्षिक रूप में ना नौकरी में जातिगत जनगणना मतलब वो जो आरक्षण है उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि यदि जातिगत जनगणना हो जाएगी तो ये जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं जिनको फायदा नहीं मिल पाया है तो वो फिर से मुखर होकर के आगे आएंगी, जिससे सामाजिक तानाबाना बढ़ेगा मतलब घटेगा। लेकिन कुछ लोग इस पक्ष में हैं कि जातिगत जनगणना करा ही देनी चाहिए, जब इतनी ज़्यादा मांग उठ रही है तो करा दे, क्या दिक्कत है। तो इसमें आपका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। दूसरा जो मुद्दा है वो है करापास संशोधन विधेयक, कराधान कानून संशोधन विधेयक। दरअसल 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने कहा कि देश में जो कंपनियां आकर के लगी हुई हैं पहले से, 2012 के पहले से, अगर उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लागू हुआ था तो उनके ऊपर टैक्स जो है 2012 के कानून बनने से पहले से ही लागू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी मान लीजिए वोडाफोन जो है 2010 में भारत में आई, तो 2010, 2011, 2012 उसने अपने कारपोरेट टैक्स वगैरह सरकार को नहीं दिया, मतलब सरकार ने मांगा नहीं इसलिए उन्होंने नहीं दिया। लेकिन 2012 में एक बना दिया कराधान कानून विधेयक, बना दिया कराधान कानून 2012 बना दिया गया, जिसमें कहा गया कि एक पिछली तारीख से जो कंपनियां भारत में कार्यरत हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, टैक्स में एक सिद्धांत होता है निश्चितता का सिद्धांत। निश्चितता का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि अगर देश में जो टैक्सेशन सिस्टम है वो निश्चित होना चाहिए कि कोई कंपनी आएगी तो उसको इतनी मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा। अगर पहले से टैक्स नहीं लगा है और बाद में कानून बना करके टैक्स लगाने की बात की जा रही है तो ये निश्चितता के सिद्धांत का उल्लंघन हो जाता है, जिससे देश में जो कंपनियां आकर के अपना निवेश करना चाहती हैं तो वो भी सोचते हैं कि यहाँ पर कह लें कि इनस्टेबिलिटी होती है, कानून कभी भी बन करके बैक डेट से भी लागू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे जो विदेशी निवेश है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उस समय जब 2012 में बना था तो मतलब जो बीजेपी है उसने भी इस बात का विरोध किया था कि ऐसे बैक डेट से टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी के मोदी जी की सरकार बनी है तब से उन्होंने भी इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। लेकिन पिछले दिनों जब केयर्न का मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा और केयर्न मामले में भारत सरकार से कहा गया कि आपकी बहुत सारी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी, तो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, एक बेइज्जती का जो है एक्सपीरियंस किया गया, जिसके कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी ने मतलब उनकी सरकार ने ये फैसला लिया है कि कराधान संशोधन विधेयक, जो करापात कानून संशोधन विधेयक है 2021, उसको पेश किया जाएगा और 2012 के पहले पहले वाले जो कराधान लग गया था उनके ऊपर टैक्स लग गया था उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये निश्चितता के सिद्धांत के खिलाफ होता है। तो ये एक प्रगति है। तीसरा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे फार्मा उद्योग में भारत जो है वो प्रगति कर रहा है। जब से कोविड-19 आया तब से भारत जो है इस क्षेत्र में काम कर रहा है। पहले पीपीई किट, मास्क, ये सारी चीज़ें भारत के पास मतलब ठीक मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। डीआरडीओ ने, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, इस क्षेत्र में काम किया, सैनिटाइज़र वगैरह बनाया और धीरे धीरे जो है चीज़ों को पटरी पर लाने का प्रयास किया। वैक्सीन जो है वो भी भारत में मतलब अच्छी मात्रा में वितरित किए जा रहे हैं, लोगों को लगाए जा रहे हैं। अभी तक मान चले कि करोड़ों की संख्या में, मैं अभी हाल फिलहाल का आंकड़ा नहीं देखा लेकिन करीब 20-25 दिन पहले के आंकड़े में बता रहा था कि करीब करीब 30 करोड़ 25 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन लग गया है। यानी कि अगस्त में देखा जाए तो करीब करीब 50-60 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन लग गया होगा। तो बड़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन हो रहा है। हालांकि केरला में जो है स्थिति थोड़ी सी बदतर होती चली जा थोड़ी सी क्या बहुत ही ज़्यादा बदतर होती चली जा रही है। यूपी इस क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में भारत जो है एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। जैसे अगर इस समय देखें तो $42 अरब की इंडस्ट्री है भारत में जो ये लगा हुआ है, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि 2026 तक ये आंकड़ा बढ़ करके $65 अरब तक हो जाएगा और 2030 में ये $130 अरब तक की फार्मा इंडस्ट्री भारत में हो जाएगी। ये इतना ज़्यादा आगे बढ़ने का कारण क्या है? पहला कारण तो यह है कि जो दवाएँ हैं, दवा इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं इस क्षेत्र में। और सरकार का एक स्कीम है जिसको PLI स्कीम बोलते हैं, यानी कि उत्पादन प्रोत्साहन योजना बोलते हैं, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI स्कीम बोलते हैं, जिसमें ये होता है कि आप जितनी मात्रा में उत्पादन करेंगे आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इससे जाहिर सी बात है कि विदेशी निवेश आकर्षित हुए होंगे, भारत के भी बहुत सारे इंडस्ट्री जो हैं वो लगे मतलब इस पे काम किए होंगे, तो
उनको पता है कि अगर हम उत्पादन करेंगे तो उसके आधार पर हमको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो ये योजना बड़ी कारगर रही थी, जिसके मतलब जिसके बेस पे कहने की 15,000 करोड़ रुपए का एक कहने कोष आवंटित किया गया, जिसमें उनको ये चीज़ें देने की बात कही गई, प्रोत्साहन राशि देने की बात की गई। और भारत जो है पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारे चीज़ बना रहा है। और दुनिया भर में जितने भी वैक्सीन लग रहे हैं उसका 60% वैक्सीन अकेले भारत की बनाई हुई वैक्सीन है, जो पूरी दुनिया में लग रही है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जा रही है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको भी भारत भेज रही है, बहुत सारे लोगों को फ्री में भी भेजें। तो इस क्षेत्र में भारत ये अच्छा काम कर रहा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 2030 तक भारत 130 अरब डॉलर की फार्मा इंडस्ट्री का क्षेत्र बनेगा और बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और देश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।